पाकिस्तान में एक आदमी है, लड़का आया था थाईलैंड से, थाईलैंड से आया, आंखें नहीं थी उसकी, 22 साल का लड़का था, साल लगा रहा था। उसे कहा कि मेरे पास आया, वहां 4-5-6 लोग और बैठे थे। मैंने उसे कहा, नहीं यार तुम ये बताओ, वो कुरान पढ़ता था, वो कुरान ऐसा पढ़ता था कि आपके सामने कुरान पढ़े तो कलेजा चीर दे, ऐसा कुरान पढ़ता था। मैंने उसे कहा नात सुनाओ, उसने नात सुनाई, मैंने आज तक ऐसी नात नहीं सुनी, ऐसी नात सुनाई, मतलब उसके नात के अंदर डर था। तो मैंने उससे कहा, मैंने तेरी सबसे बड़ी दुनिया में ख्वाहिश क्या है? तो कहने लगा, जी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मुझे 10 मिनट के लिए आंखें मिल जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें। मैंने कहा, तुम हमेशा के लिए आंखें क्यों नहीं मांगते? हमेशा के 10 मिनट में आंखों को क्या करोगे? 10 मिनट में आंखें लेके क्या करोगे? उसने कहा, जी मैं सिर्फ एक दफा देखना चाहता हूं कि मेरी मां कैसी, मैंने अपनी मां नहीं देखी, मुझे एक दफा मेरी मां दिखा दो, फिर चाहे आंखें लें। मुझे उस दिन एहसास हुआ मेरी बहनों और भाइयों कि हमारे अल्लाह ने हम पे क्या करम किया है कि मेरी आंखें, अल्लाह से अल्लाह की नेमतें गिनाया करो, अल्लाह के एहसानात गिनाया करो, अल्लाह के फजल गिनाया करो, अल्लाह से गिले न किया करो, अल्लाह से गिले न किया।